डीडवाना प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की ओर से 104 और 108 एम्बुलेंस चालक 2 सितंबर से लगातार हड़ताल पर है। एम्बुलेंस चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर 104 और 108 के एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए 104, 108 के एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि सरकार जब सत्ता में आई थी तब साल 2019 में सरकार ने एम्बुलेंस ड्राइवर से वादा किया था कि उनको संविदा कर्मियों के बराबर शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे को अभी तक लागू नहीं कर पाई है, जिसको लेकर 2 सितंबर से सभी एम्बुलेंस ड्राइवर पूरे राजस्थान भर में धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख मांगे हैं कि संविदा कमेटी में शामिल किया जाए, वेतन की विसगतियों को दूर किया जाए और जो 8 घंटे की ड्यूटी है जिसको 12 घंटे कराया जाता है उसको 8 घंटे ही कराया जाए। वहीं एम्बुलेंस कर्मचारी ने बताया कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, इसके बावजूद सभी एम्बुलेंस ड्राइवर 12 घंटे की ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार एम्बुलेंस ड्राइवर पर किसी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। जो वेतन की मांग है ड्राइवर की, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और संविदा कमेटी में शामिल करना चाहिए, और सरकार ने जो वादा किया है एम्बुलेंस ड्राइवर से वह सरकार को पूरा करना चाहिए। इन मांगों को लेकर पूरे राजस्थान भर में 104 और 108 एम्बुलेंस के पहिए रुक चुके हैं और सभी एम्बुलेंस के ड्राइवर धरना प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। ऐसे में गंभीर मरीजों को लाने ले जाने को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। इसके बावजूद सरकार एम्बुलेंस ड्राइवर की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो 108 और 104 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से किसी मरीज की जान भी जा सकती है, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। वहीं अपनी मांगों को लेकर डीडवाना जिले के एम्बुलेंस ड्राइवर भी हड़ताल पर है और वह भी जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जिसमें डीडवाना से 6 एम्बुलेंस ड्राइवर, निम्बी जोधा से 4, लाडनू से 4, मिठरी से 4, शेरानियाबाद से 4, मौलास से 6, जसवंतगढ़ से 2 एम्बुलेंस ड्राइवर सभी हड़ताल पर जा चुके हैं। कोई सभी एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर अपने संगठन के बजट तले जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए डीडवाना से 108 के पायलट अनिल कुमार मुंड, राकेश कुमार, रामपाल सिंह, इरफान अली, ललित भंवरलाल, अमर सिंह सभी धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए डीडवाना से जयपुर के लिए रवाना हुए। हमारी सर एक ही मुख्य मांग है कि हमें भी संविदा कमेटी में शामिल किया जाए, क्योंकि हमें 2008 से ये योजना चालू हुई थी, उसके बाद हम लगातार इसमें सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ खुद अपने बच्चों के अपने पिता के हाथ नहीं लगा रहे थे, उस टाइम भी हम सरकार के मिलजुल कर साथ काम कर रहे थे और हमने कोविड काल में बहुत अच्छा काम किया है। और जननायक जी ने भी हमें कहा था कि ये इनका कोविड काल में बहुत अच्छा काम रहा है और हम मजबूरन में हमें ये हड़ताल करनी पड़ी है। अगर कोई भी मरीज़ परेशान हो रहा है उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। हम लोग 108 में संविदा में शामिल होने के लेकर 7 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। 1 तारीख से हमारी हड़ताल शुरू हुई थी, उससे पहले हमने गवर्नमेंट को समय भी दिया था। 21 तारीख को हमने काले झंडे भी लगाए थे गाड़ियों पे और हमने ये कहा था कि हमें संविदा कमेटी में शामिल किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी एक भी बात नहीं मानी। फिर हमने मिलकर हड़ताल का निर्णय लिया और 1 तारीख से आज लगातार हम हड़ताल पर हैं और हमारी कोई सुध नहीं ली जा रही है अभी तक तो। और जो हमारी एक ही मांग है कि हमें संविदा कमेटी में शामिल किया जाए। जननायक जी ने ये कहा भी था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा। हमारी एक ही मांग है कि हमें संविदा कमेटी में शामिल किया जाए। आपका शुभ नाम? इरफान अली भाटी।